नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका द्रव्य गुण आयुर्वेदा में। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं कलौंजी और प्याज का तेल, जिसे ऑनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल बोलते हैं, जो मार्केट में भी मिलता है, लेकिन हम इसे आज घर पे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने कलौंजी के सीड्स ले लिए हैं और प्याज ले लिया है। प्याज छोटे वाले मैंने यूज़ किए हैं, आप चाहें तो बड़े वाले प्याज भी ले सकते हैं। और ये जो कलौंजी है, मुझे इसे एक हल्का सा ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल दरदरा आपको इसे पीसना है इस तरीके से। बिल्कुल फाइन पाउडर आपको नहीं करना है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को तेल में सिद्ध करते हैं तो पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है या फिर दरदरा होना चाहिए। और इसके बाद जो प्याज है उसका भी हमें बिल्कुल दरदरा सा पेस्ट कर लेना है। तो ये मैंने कलौंजी और प्याज दोनों को पीस लिया है। इसके बाद हम थोड़ा सा एक पैन में कोकोनट ऑयल गर्म करते हैं। कोकोनट ऑयल मैंने करीब एक कप लिया है। तो ये कोकोनट ऑयल मैंने ऐड कर दिया है और इसके बाद इसे हमें गरम करना है। और जब नारियल का तेल हमारा गरम होने लग जाए, इसकी जगह आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं या फिर तिल का तेल भी ले सकते हैं, ये सब बालों के लिए अच्छे होते हैं। नारियल का तेल भी बालों के लिए सही रहता है, इसलिए मैंने नारियल का तेल लिया है। आपके पास जो अवेलेबल हो वो ले सकते हैं आप। अब कुछ लोग प्याज का सीधा रस डालते हैं इसमें छान करके, लेकिन किसी भी चीज़ को आपको तेल से सिद्ध करना है तो उसके लिए पेस्ट डालना ज़्यादा सही रहता है, कल्क जिसको बोलते हैं। तो मैंने इसमें 3 चम्मच कलौंजी का जो हमने दरदरा पाउडर बनाया था वो डाल दिया है। और इसके बाद जो प्याज हमने दरदरा पीस करके रखा था वो प्याज हमें इसमें ऐड कर देना है। और अब इसे मीडियम फ्लेम पर पका लेना है, जब तक कि प्याज और कलौंजी का जो सारा एक्सट्रैक्ट है वो इस तेल में नहीं आ जाता। और करीब मीडियम फ्लेम पर आपको करीब 5 मिनट लग जाएंगे इसको पकाने में, ज़्यादा भी लग सकते हैं, 6 से 7 मिनट तक आप इसे पकाइए। बिल्कुल बर्न नहीं करना है आपको, जलाना नहीं है, लेकिन मतलब एकदम जैसे सब्जी के लिए पकाते हैं उस टाइप का इसे प्याज को पका लेना है बिल्कुल अच्छे से। कलौंजी जो है वो हमारे हेयर्स के लिए काफ़ी अच्छी होती है, ऑनियंस भी हेयर्स के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। मैं पहले इन चीज़ों में इतना बिलीव नहीं करती थी, बट जब से मैंने BAMS करना स्टार्ट किया है, आयुर्वेद में पढ़ा है ये सब चीज़ों के बारे में, इनके इम्पोर्टेंस के बारे में, इनके बेनिफिट्स के बारे में, तब से यकीन होने लग गया है कि हाँ ये चीज़ें बहुत ही अच्छी होती हैं हमारे हेयर्स के लिए। तो ये जो ऑयल है वो आपके जितने हेयर प्रॉब्लम्स हैं, आपको बाल झड़ रहे हैं, वाइट हो रहे हैं, या फिर जो डेंड्रफ है, रूसी है, सारी प्रॉब्लम्स के लिए ये तेल अच्छा है। तो आप इसे इजीली घर पे बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। साथ में हम घर पे बनाते हैं तो इसमें कोई केमिकल भी हम ऐड नहीं करते, तो एक बालों के लिए अच्छा होता है, बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता है ये हमारे बालों को। क्योंकि जो बाहर से हम चीज़ें खरीदते हैं उनमें केमिकल्स वगैरह डाले हुए होते हैं, जिससे कि बालों पे मतलब गलत इफ़ेक्ट होता है उसका, बालों में रूसी आ जाती है, दो मुंह बाल हो जाते हैं। बट इससे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आपके बाल बिल्कुल अच्छे रहेंगे, एकदम सिल्की शाइनी। और जब ये पक जाए अच्छे से तब हमें इसे बिल्कुल छान लेना है। तो इस तरीके से हमें एक छलनी से छान करके इसे एक कांच के जार में भर लेना है। तो इस तरीके से प्रेस करते हुए इससे पूरा ऑयल हमें निकाल लेना है। और कलौंजी का जो है वो कलर ही इतना ब्लैक होता है कि उसको देख के सच में अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ इससे हमारे बाल जो हैं वो ब्लैक और शाइनी होंगे। तो इसलिए इसे ज़रूर ट्राई करिए आप। अगर आपके बाल हेल्दी भी हैं तो भी आप इस ऑयल को यूज़ करके देखिए, उनमें शाइनिंग भी आएगी और सॉफ्ट भी होंगे बाल। तो आप हेयर वॉश करने से पहले आधा घंटा पहले इस ऑयल को अच्छे से मसाज कर लें, आधा एक घंटा रखें, या फिर आप इसे ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हल्का शैम्पू से वॉश कर लें। तो ये मैंने पूरा ऑयल जो है वो इससे अलग कर लिया है और इसे आप इजीली स्टोर कर सकते हैं, ये इतने जल्दी ख़राब नहीं होता है। बस आपको ध्यान इस चीज़ का रखना है कि इसमें आपको पानी वानी नहीं डालना है, नहीं तो ये थोड़ा ख़राब हो सकता है। इसे ढककर आप स्टोर कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और काफ़ी अच्छा जो हमारा हेयर ऑयल है वो बनकर रेडी हो गया है। तो आप भी इस ऑयल को ट्राई करें और बना करके देखें, यूज़ करके देखें, और आपको कैसा लगा, कैसा फ़ील होता है वो आप मुझे कमेंट करके बताएँ। और अगर आपको प्याज की स्मेल से थोड़ी दिक्कत है तो आप इसमें 2-4 ड्रॉप एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं,
उसके लिए आप कोई सा भी एसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।